आज के दिन का स्टार्ट लॉन्ड्री करने से हुआ है। ये लॉन्ड्री रूम है और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर गाड़ी में आइस कितनी जमी हुई है और पत्ते कितने गिरे हैं। ये देख रहे हैं आप, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और देखें घास पे आइस भी जमी हुई है। आगे मैं आपको कांच का हाल दिखाता हूँ क्या है। ये देखें, शायद आपको नजर आएगी, इसमें छोटी छोटी आइस जमी हुई है। ये मौसम है, और ऑब्वियसली सेल्सियस में माइनस में टेम्परेचर होगा इस टाइम। मैंने अभी टेम्परेचर चेक नहीं किया, बट मैं चप्पल पहन कर आ गया हूँ तो मेरे पाँव जो है वो फ्रीज हो गए हैं और चला नहीं जा रहा। पे जो वाइट वाइट जमा हुआ है ना, ये सारी आइस है। और ये देखें कार की हालत, इस टाइम शदीद किस्म की आइस जमी हुई है। और यही हाल होता है डेली सुबह, इसको हीट अप करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे शायद किसी जानवर ने अपने काम दिखाए हैं तो ये थोड़ा सा हुआ है। बढ़िया देखिए, और ये दूसरी कार भी सेम। सब आइस है। और अभी ये ना अमेरिका में सर्दियों का स्टार्ट है और अभी डेली की सुबह जब जॉब पे जाने से पहले आधा घंटा इस पे मुशक्कत है। वैसे धूप है बट ठंडी धूप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं आज जल्दी उठ गया था, सोचा लॉन्ड्री कर लूँ क्योंकि इस टाइम क्वाइट है और अनफॉर्चुनेटली हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग की सिर्फ 2 वॉशिंग मशीन जो हैं वो ठीक चल रही हैं। ड्रायर ऑलमोस्ट सारे सही हैं, बट यहाँ पे ना गिद्ध बैठे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गिद्ध, यहाँ पे गिद्ध हैं, धूप सेक रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, पाकिस्तान में तो पोस्ट ऑफिस का सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और कोई मेल वगैरह आती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो उनका USPS है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, वो डेली बेसिस पे संडे के अलावा आपको मेल ड्रॉप करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जंक होती हैं, बट ये है कि आपको मेल डेली आती है और आपने मेल बॉक्स पे चेक करते हैं। हर घर के बाहर इसी तरह से मेल बॉक्स लगे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने एक सरकारी अदारे को रनिंग में रखा जाए, बहाल रखा जाए, प्रॉफिटेबल रखा जाए। उनके रेट्स ऑब्वियसली कम होते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कम्पीट करते हैं अपने प्राइवेट कुरियर एजेंसीज़ को, बट स्टिल वो महकमा जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान पोस्ट की तरह बिल्कुल बंद नहीं हो गया ऑल दो, लेकिन अब पाकिस्तान पोस्ट में सुना है कि बहुत अच्छी चेंजेस आई हैं और वो उसको सोच भी रहे हैं कि सस्ता और किस तरह फॉल बनाया जाए, बट स्टिल ये जो ग्रास वाइट वाइट हुई है ना, ये सारी स्नो की वजह से है। असल में अभी कुछ चीज़ें लेने जाना था वॉलमार्ट वगैरह, लेकिन अब गाड़ियों की ये हालत है तो सोच रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा और किस तरह से जाया जाए। बट इसको अभी स्टार्ट करके अंदर बैठता हूँ, थोड़ी सी बर्फ़ उतरेगी तो फिर ही जाने के काबिल होगी। अब जा रहा हूँ वापस कपड़े ड्रायर में डालने। असल में 30 मिनट का एक लोड होता है वॉशिंग मशीन का, उसके बाद 45 मिनट्स का लोड होता है ड्रायर का, और $1.75 लगते हैं वॉशिंग मशीन में और $1.50 लगता है ड्रायर में। तो यानी $3.25 में आपकी एक दफ़ा की लॉन्ड्री हो जाती है, प्लस उसमें डिटर्जेंट आपका अपना। तो अगर आपके मतलब, क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूं तो यहां पे मुश्तरका लॉन्ड्री होती है, इस वजह से पे करना पड़ता है। बट जो लोग जिन लोगों के पास अपने घर हैं उनके अपने घर में ही फैसिलिटी होती है तो उनको इस तरह पे नहीं करना पड़ता। तो यही वाला रेट जो है वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी में
यूज़ हो रहा था क्योंकि वो बिजली का पे करते हैं, तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही हुए। और फिर प्लस ये है कि हमें मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, बिल्डिंग वाले खुद ही ड्रायर और वॉशिंग मशीन की इक्विपमेंट जितनी है उसकी खुद ही मेंटेनेंस करते हैं, खुद ही मेक श्योर करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में हो। तो मेरे ख्याल में इतना कोई महंगा नहीं है अगर आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ी, तो इट्स वर्थ इट। तो अभी ड्रायर में डाल दिया है, 45 मिनट लगेंगे और 45 मिनट्स के बाद आके देखते हैं। ये वाली ख़राब है, इस पर भी लिखा हुआ है डजंट वर्क, ये भी ख़राब है और ये सही है, इस पर रेट आ रहा है $150। तो दो ये ठीक हैं और दो ड्रायर सॉरी आपकी वॉशिंग मशीन सही है, अदरवाइज सब खराब है। ऐसा तो होता है अभी रस्ते कामों में। तो अंदर आके बैठ गया हूँ क्योंकि वॉलमार्ट जाना है, और अभी देखें क्या हाल हुआ है। फ्रंट और रियर का फैन चलाते हैं, हीटिंग कर देते हैं हाई पे। अभी देखें कितना टाइम लगेगा इसको, बिल्कुल जो है वो जमी पड़ी है। देख रहे हैं कितनी आइस है। आपसे उतरेगा, देखते हैं कितना टाइम है। तो अब उतर चुका है ये, तकरीबन हाई पे कर दी थी हीट वगैरह, तो इतना टाइम लिया नहीं इसने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो उतर गया अब। लेकिन बड़ी अच्छी धूप निकल आई है और इस टाइम टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अच्छा मौसम है, अब वॉलमार्ट जा रहे हैं सब्जी लेने, उसके बाद आएंगे घर। रूटीन रहती है वीकेंड पे और मोस्टली संडे पे। अब वॉलमार्ट के बाद नाश्ता वगैरह करना है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट है एक, वो बनानी है, उसमें 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे इजीली, तकरीबन 3-3.5 बज जाएंगे और 4 से 4 बजे मगरिब हो जाती है, उसके बाद अंधेरा। तो संडे को मोस्टली कहीं पर आना जाना होता नहीं है, संडे पे घर के काम वगैरह मोस्टली करके ही टाइम गुजर जाता है, और क्योंकि वाइफ भी बिजी होती है, वो संडे को पूरे एक हफ्ते का खाना बनाती है क्योंकि ऑब्वियसली फिर उसकी भी जॉब है, 5 डेज 3 या 4 डिशेस उसने बनानी है, प्लस मैं अपने काम से निपटता हूँ, जो स्टडी चल रही है उसके असाइनमेंट से रिलेटेड, और इस तरह से पूरा हमारा संडे गुजर जाता है। तो ये रूटीन है संडे की, मैंने कहा वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि संडे कैसा गुजरता है, तो संडे ऐसा गुजरता है। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ सजेशन वगैरह कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे दे दिया करो कि पता लग जाए कि क्या कंटेंट डालूँ, वरना डेली बेसिस पे कोई कंटेंट समझ नहीं आता, इवन वीकली भी यार मतलब कहाँ जाए। तो खैर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, खुदा का वास्ता। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।